मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान त्रिपाठी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान रामचरित मानव जी, निशा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे साक्षी में अनेक दीप प्रकल्पों का शिलान्यास कहो, लोकार्पण कहो, प्रोत्साहन कहो, ये अवसर मिला है। आज एक दिन में ही करीब करीब 2100 करोड़ रुपयों के भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट काशी को मिल रहे हैं। आज विशेष रूप से आरोग्य की दृष्टि से गरीब से गरीब परिवार को अस्पताल में सभी कारोबार में है, उसके हेल्थ के लिए आधुनिक संसाधनों का उसे लाभ मिले। आज ईएसआईसी के अस्पताल का आधुनिकरण करना पहले जितनी क्षमता थी उसको करीब 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना, आधुनिकता के साथ गरीब से गरीब सामान्य मजदूरी करने वाला व्यक्ति, कहीं कारखाने में जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों को आरोग्य सेवाएं प्राप्त हो, इसलिए भारत सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के यहाँ के गरीब मजदूर की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है कि जो व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उस क्षेत्र के आरोग्य की दृष्टि से एक नया नजराना बनेगा। अभी मैं काशी इस विद्यालय में गया था, वहां एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस पूरे क्षेत्र में कैंसर की बीमारी है तो मुंबई जाना पड़ता है। हम जानते हैं कि मुंबई की अंदर अस्पताल में कितनी देर के बाद नंबर लगता है। मुंबई में जो कैंसर अस्पताल है वैसा ही वैसी ही सुविधाओं वाला, उत्तम से उत्तम सेवा करने वाला अस्पताल उत्तर प्रदेश में हो, खासकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, जिसका लाभ पड़ोस में झारखंड और बिहार के लोगों को भी मिले, तो बहुत बड़ा प्रकल्प जिसका शिलान्यास आज मेरे काशी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में किया है। उस पूरे क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हम ये जानते हैं कि आरोग्य के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल भी उतना ही मांग में रखता है। प्राइवेट अस्पताल भी
इस क्षेत्र में आप बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। भारत के ही संतान सुभाष रेड्डी जी हमको पता करके बस गए हैं गल्फ कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने खेल के क्षेत्र में आरोग्य के क्षेत्र में बहुत विस्तार पूर्वक अपना काम किया हुआ। अनेक स्थानों पर उनके अस्पताल चलते भी काफी आकर्षित होकर के अपने एक प्राइवेट अस्पताल काफी में आनंद करने जा रहे हैं। आज मुझे उसका भी शिलान्यास करने का अवसर मिला है। 500 बेड का इतना बड़ा अस्पताल राज्य में बनना ये काशी को बहुत बड़ा नजारा है। गरीब बीमार लोगों के लिए 500 में से 200 बेड वो पूरी तरह गरीबों के लिए समर्पित होंगे। बाकी जो 300 बेड हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए होंगे। तो एक प्रकार से गरीबों का भला करने वाली इस क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल बनने के कारण हजारों नौजवानों को नए रोजगार की संभावनाएं पैदा होगी। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली भीड़ डेवलप होगी। पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग का स्टाफ हो, अस्पताल का रख रखाव हो, तो एक बहुत बड़ा इस इन्वेस्टमेंट के कारण इस क्षेत्र को लाभ होने वाला है। आज जिस प्रकल्प का मैंने शिलान्यास किया था और वर्तमान में हमारे मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी बड़ा परिश्रम करके बहुत बारीकी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगी रहती है और उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है इतने कम समय में उसका देश भर का आज जिले उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। मैं स्मृति जी को और उनकी पूरी टीम को और इससे पहले इस विभाग के मंत्री थे गंगवार जी उन सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिस उत्तम प्रकार का काम हुआ है तेजी से काम हुआ है और निर्धारित समय में सब फेज आज ये सिर्फ काशी के लोगों के लिए नहीं ये पूरे क्षेत्र के इस प्रकार से काम करने वाले लोग इनका इसका लाभ मिलने वाला है। काशी एक यात्रा धाम है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी वहां इस प्रकार का की व्यवस्था कंपनी की एक वैश्विक पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। अब काशी में जो भी लोग आए उनको वहां ले जाना चाहिए। यहाँ के रिक्शा वाले होंगे, यहाँ के टैक्सी वाले होंगे, उनको भी पता होना चाहिए। वहां वो देख भी सकता है कि क्षेत्र के लोगों के हाथों में कैसा हुनर है, कैसी कैसी चीजें निर्माण करते हैं और उसका अंदर ग्लोबल पहचान बने, प्रोडक्ट की भी पहचान बने, प्रोसेस की भी पहचान बने और भारत की महान विरासत काशी के लोगों ने कैसे संभाल करके रखिए जिसका दुनिया को परिचय हो वैसा एक उत्तम काम इस ग्रेड सेंटर म्यूजियम जिसके कारण बना है। काशी की तस्वीरें मुझे यहाँ के लोगों ने भेजी थी, इतना अद्भुत नजारा लग रहा था कि काशी की धरती पर ऐसा भी निर्माण कार्य हो सकता है और इतने कम समय में हो सकता है। इस प्राचीन शहर के साथ इस आधुनिक इमारत प्राचीन कलाकारी के साथ आधुनिक पहचान ऐसा एक सुखद योग के साथ आज चल रही की दुनिया जो काशी की विशेष पहचान है
सबसे बड़ा जो मंदिर की विशेष पहचान है उंगलियों के बल पर नजाकत का देखा एक पूरी नई चीज निर्माण करने का जो सामर्थ्य शक्ति है इसे दुनिया भली भांति देखेगी पहचानेगी। हमारे पास पुराने परंपरा के साधन रहे हैं उसमें बदलाव जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आवश्यक होता है, इनोवेशन आवश्यक होता है। आप कुछ साथियों को मुझे सत्या उसकी सहायता देने का अवसर मिला, अलग अलग निर्माण कार्य में हस्तक्षे का जो उपयोग होता है उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण आधुनिक व्यवस्था के कारण उनकी सफलता भी बढ़ेगी आमदनी भी बढ़ेगी। उन चीजों को उसमें बल देने का प्रयास किया है, पूरे देश में इस क्षेत्र में काम करने वालों को एक पहचान कार्ड देने का अभियान चला है। हमारे देश के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है लेकिन जितना बड़ा हुआ न कभी उससे और उपलब्ध होते हैं न इस काम को करने वाले लोगों की पहचान होती है। गुम सुधा हमारा सामर्थ्य है, ये भी हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। और जिसकी पहचान बन जाती है उसके एक जमीन बन जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्यों भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास कौशल्य है, हुनर है, काम करने का जज्बा है, उसकी अपनी एक पहचान हो, उसकी आइडेंटिटी हो, वो स्वयं में ब्रांड है। हमारे देश में ऐसा काम करने वाले कोटी कोटी जन वो स्वयं अपने सबसे ब्रांड है। ये ब्रांड दुनिया को अभी तक हम परिचित नहीं कर पाए। इस पहचान के माध्यम से उनके सामर्थ्य को जुड़ना, उस सामर्थ्य को बल देना, किसी क्षेत्र में विकास कराए तो स्वयं कह सकते हैं चलो ये पहचान में इतने लोग हैं, इनके लिए योजना बनाइए, उनके लिए अवसर दीजिए, एकदम भी काम को बढ़ावा मिल सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके सामर्थ्य को टकोलते हुए उसका प्रक्रिया करते हुए ये जो पहचान कार्ड देने की योजना है उसका भी मुझे आज अवसर मिला है। जो लोग कारपेट बनाने वाले हैं उनको आधुनिक नई रूम जिसके कारण क्वालिटी प्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन जिसके कारण हमारी कंपनी को एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधा मिलेगी और उपयोग में हम बेचने से भी बेच बना सकते हैं इस प्रकार के मूल का उपयोग करते हुए और उत्तम से उत्तम चीजें बना करके हम दुनिया को दे सकते हैं। उसको भी आज मुझे वितरित करने का अवसर मिला है। यहाँ कुछ नौजवान जिनको मुझे खेल के ईट देने का अवसर मिला है, वैसे तो ये पहलवानों की धरती है लेकिन आवश्यक है कि खेल हमारे देश में नौजवान के जीवन का हिस्सा बना है, हमारे समाज जीवन का चरित्र बना है। खेल है सभी को हमारे यहाँ एक अलग सा वातावरण पैदा होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबको पसंद आता है लेकिन बिना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट संभव नहीं होता है। और इसलिए खेल को बढ़ावा देना, नौजवानों को अवसर देना और भारत के अंदर जो सामर्थ्य है हम विविधता है, एक ही खेल के सामर्थ नहीं किसी प्रकार के खेल है, अनेक प्रकार के कौशल्य है, उसको बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच ऐसे अनेक बीज प्रकल्प समर्पित करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि जिन प्रकल्पों का शिलान्यास हुआ है ये प्रकल्प समय सीमा में और हो सके तो समय से पहले हम उसको पूर्ण करेंगे और यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा में उसको समर्पित करेंगे।
मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।